गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इन योर मैथ क्लास वी डू एक्सरसाइज 3.1 एंड पेज नंबर बेटा आपका 31। तो इसमें है ऐड द फॉलोइंग बाय स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मीन्स बंटवारा, बंटवारा करके इनको ऐड करना है। ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में करना होगा, बुक में नहीं होगा आपका ये। तो इसको करोगे कैसे मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, आपको नोटबुक में क्या करना है, अपना एक्सरसाइज डालोगे सबसे पहले, फिर ऐड द फॉलोइंग बाय स्प्लिटिंग स्टेटमेंट उतारोगे और ए वाले सम को लिखोगे। ए वाले पार्ट में क्या आपका 25 प्लस 11, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों नंबर्स को अलग अलग लिखोगे, ठीक है। दोनों नंबर्स को टेंस वंस, ठीक है। तो 25 यहाँ पर लिखो और 11 यहाँ पर, हो गया। इसके बाद क्या करोगे, दोनों नंबर की प्लेस वैल्यू आपको निकालनी है। जैसे 5 की निकाली आपने, क्या आएगी 5 और 2 की निकालोगे, 2 के ऊपर जो टेंस वाला प्लेस होगा उसकी आपको ऊपर रखनी है और जो वंस वाला प्लेस होगा उसकी नीचे रखनी है, ठीक है। 5 की 5 होगी, 2 की प्लेस वैल्यू 20 होगी हमारी। इन दोनों में प्लस का सिंबल दो, प्लस। अब जैसे बताया था टेंस की, तो टेंस इस टेंस की इधर निकालो, इस वन की कितनी हो जाएगी आपकी प्लेस वैल्यू 10 और इस वंस की कितनी हो जाएगी इसकी 1, यानी कि 20 प्लस 10, 5 प्लस 1। अब इधर देखो, इसको टेंस वंस लिखो, 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 20 प्लस 10 को सीधा हम यहाँ पर लेके जाएंगे, जब क्या हो जाएगा हमारा 30, क्या हो जाएगा 30, 5 प्लस 1 6। अब इसको ऐड कर दो, क्या आ गया 36। नेक्स्ट सम देखिए आप अपना, नेक्स्ट है 15 प्लस 23, बी 15 प्लस 23। इसको थोड़ा खुला खुला करोगे तो तब अच्छे से होगा बेटा, टेंस वंस और यहाँ हमारा वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें अलग अलग करके लिखोगे, पहले 15 और ये हो गया 23। 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी हमारी 5, इस 1 की क्या होगी 10, प्लस के सिंबल दो दोनों में। इस 2 की क्या होगी प्लेस वैल्यू 20 और 3 की क्या होगी 3, क्योंकि टेंस वंस में है ये। इसकी इधर और इसकी इधर ऐसे प्लेस वैल्यू आ गई हमारी। अब इसको यहाँ लिखेंगे, 10 प्लस 20 कितना हो गया हमारा 30, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8। ये आपको काउंट करने पड़ेंगे तब आपको पता चलेगा, और आंसर क्या आएगा हमारा 38। क्या होगा आंसर 38। थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, तो ध्यान से केयरफुली आप इसको करोगे तभी आपको समझ में ये आएगा। ये जो लाइंस दी गई हैं ये लगानी है आपको, ये जो मैंने वाली ये वाली लाइन लगाई थी ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है। सबसे एक बार फिर से देखिए, 15 प्लस 23, दोनों नंबर्स को टेंस वंस डाल के अलग अलग लिखो 15 और 23 को, फिर दोनों की प्लेस वैल्यू निकालो, ठीक है। प्लेस वैल्यू निकालने के बाद टेंस टेंस की प्लेस वैल्यू को ऐड कर दो और वंस वंस की प्लेस वैल्यू को ऐड कर दो, ठीक है। 10 और 20 कितना हो गया हमारा 30, 5 और 3 1 2 3 4 5 और 3 और 1 2 3 8, 30 प्लस 8, आंसर क्या हो गया 38। तो ये एच तक आपके सम हैं, 2 सम्स मैंने आपको कराए हैं, बाकी के सम आपको खुद से सोल्व करने होंगे। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको बुक में ही करना है, वेरी सिंपल सम है, विदाउट कैरी, कैरी नहीं है इसमें, इनको ऐड करना बस। 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 7 काउंट करके करोगे आप तो ऐसे, ठीक है। 1 7 और गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हुआ 8। 6 प्लस 2
तो पहले टू को काउंट करो या सिक्स को, आपकी मर्जी है, वो टू को कर लेते हो। चलो वन टू, अब सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब इसको इकट्ठा काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट। जब हमने 61 और 27 को ऐड किया तो क्या आया हमारा 88। 33 और 11 को ऐड किया तो आंसर क्या आया 44। तो एडिशन के सम अब आप सभी को अच्छे से आते हैं। क्वेश्चन नंबर ए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प, आप उनके साथ बैठ के आपको इनको सोल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर बी सॉरी टू वेरी सिंपल, इसको आपको अपनी बुक में ही करना है, नोटबुक में नहीं करना है, ओनली बुक में करना है। क्वेश्चन नंबर वन को आपको नोटबुक में करना है, एट पार्टीज के हैं और एट पार्टीज के हैं ये सम, आप ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।